الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. dear viewers once again welcome to our program prophetic stories in this program we are talking about the biography and the story of prophets Alaihi and today i'm going to tell you the story and the biography of prophet yunus alayhi salam and prophet Shoaib alayhi let's begin with the excellence of dorothea says, बरोज़ कयामत मेरे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसर से दुरूद भेजता होगा सलूल हबीब सल्हलाम प्रॉफिट यूनसम के नाम मुबारक के बारे में बात करें तो आप का नाम मुबारक यूनुस था और आप का लकब मुबारक जुनून और साहिबुल साहिबुलहद यानी के मछली के पेट वाला था क्योंकि आप मछली के पेट में तशरीफ ले गए थे इसलिए आप का लकब भी हुआ आप आपदला की औलाद में से हैं नज़र प्रॉफिट यूनसम को जिस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया ये लोग नैनवा के एरिया में रहते थे आप सलाम ने तकरीबन 40 साल तक इन लोगों को हिदायत और राह रास्त की तरफ बुलाया और अल्लाह पाक के दीन की तरफ बुलाया लेकिन ये लोग आप सलाम को डनाई करते रहे आप सलाम इन्हें वाजो नसीहत करते रहे कि कुफ्र और शिरक छोड़ दो और अल्लाह पाक के दीन की तरफ़ आ जाओ और उसी की इबादत करो वही इबादत के लायक है और उसके सिवा कोई मबूद नहीं यानी कोई इबादत के लायक नहीं लेकिन 40 साल तक ये लोग आप सलाम को डिनाई करते रहे फिर आप सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह पाक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जो मैं इनके लिए कर सकता था इनकी हिदायत के लिए इनकी रहनुमाई के लिए वो सब मैंने किया लेकिन ये लोग राह रास्त पर नहीं आ रहे और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं कि ये लोग राह रास्त पर आएंगे फिर अल्लाह पाक से आप सलाम ने उन, उन लोगों के अजाब के लिए दुआ की तो अल्लाह पाक ने आप सलाम को वही नाजिल फरमाई और बताया कि इन लोगों पर इतने दिनों के बाद अजाब नाजिल हो जाएगा तो आप सलाम ने अल्लाह पाक की नाजिल करदा वही के मुताबिक लोगों को बताया कि इतने दिनों के बाद आप लोगों पर अजाब नाजिल हो जाएगा नाजीन तो लोग आपस में ये बात करने लगे कि प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम कभी भी झूठ नहीं बोलते जो भी बात करते हैं हमेशा सच कहते हैं तो अगर हम देखते हैं कि यह रात हमारे साथ ही यहीं इसी जगह रुकते हैं तो तो ठीक है इसका मतलब ये होगा फिर कोई अजाब हम पर नाजिल नहीं होने वाला लेकिन अगर प्रॉफिट यूनुस यूनसम यहाँ से कहीं और तशरीफ़ ले जाते हैं इस जगह नहीं रुकते तो ये बात यकीनन सच होगी कि हम पर अजाब नाजिल होगा क्योंकि प्रॉफिट यूनुस यूसलम कभी भी झूठ नहीं बोलते नाजिल इसी तरह फिर रात हुई तो प्रॉफिट यूनुस यूनसम उस जगह से उस एरिया से तशरीफ़ ले गए जब लोगों ने देखा कि प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम इस जगह पर मौजूद नहीं है तो वो लोग समझ गए कि अब हम पर हकीकतन अजाब नाजिल होने वाला है नाजिल फिर सुबह हुई तो अजाब के आसार नज़र आने लगे और एक बड़ा सा बादल वहां पर आया अब ये लोग बिल्कुल वाज तौर पर समझ गए थे कि हम पर अब अजाब नाजिल होने ही वाला है फिर लोगों ने प्रॉफिट यूनुस सलाम की तलाश शुरू की और जब आप सलाम को कहीं भी वो तलाश ना कर सके तो वो तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर अपनी वाइफ्स और अपने बच्चों के साथ जंगल की तरफ चले गए और अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तोबा की इसतफ़ार किया और माफ़ी मांगी अपने तमाम गुनाहों पर अपने तमाम शर्क और कुफर पर और अल्लाह पाक से ये वादा किया कि जो प्रॉफिट यूनुस सलाम दीन लेकर आए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं और हम उसी दीन को फॉलो करेंगे और वो तमाम चीज़ें जिनका उन्होंने हमें मना किया है वो सब हम छोड़ देंगे ना वो लोग अपने इखलास में सच्चे थे और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की और उन पर से अजाब उठा लिया गया नाज़रीन दूसरी तरफ प्रॉफिट यूस आलम उस कौम से दूर जा चुके थे और जब प्रॉफिट यूनसम ने देखा कि अजाब का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक इस कौम पर अजाब नहीं आया नाजन उन लोगों का ये दस्तूर था कि अगर उनसे कोई झूठ कहता तो वो लोग उसे कत्ल कर दिया करते थे तो प्रोफिट यूनसम ने सोचा कि इन लोगों पर अभी तक अजाब नाजिल नहीं हुआ जबकि मैंने इनसे कहा था कि तुम पर अजाब नाजिल होगा तो मेरी बात को ये झूठ समझेंगे और मुझे भी कत्ल कर देंगे नाजन इसलिए प्रॉफिट यूनसम उस जगह से और दूर तशरीफ ले जाने लगे और हिजरत के इरादे से आगे जाने लगे तो आप सलाम के रास्ते में एक दरिया आया तो आप सलाम एक कश्ती में सवार हो गए वो कश्ती समंदर में चल रही थी कि अचानक वो कश्ती रुक गई तो उन लोगों का ये मानना था कि अगर कोई भागा हुआ शख्स इस कश्ती में सवार होता है या किसी भी कश्ती में सवार होता है तो वह कश्ती रुक जाती है इस वजह से नहीं चलती तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई यहां पर ऐसा शख्स है कि जो भागा हुआ हो और इसी के साथ

और अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल फरमा और मुझे इससे निजात ता फरमा तो अल्लाह पाक ने आप सलाम की दुआ को कबूल फरमाया नाजिन फिर मछली ने आप सलाम को दरिया के किनारे पे उगल दिया आप मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए और वहाँ पर अल्लाह पाक ने आप आलाम को दोबारा सेहतमंद किया क्योंकि मछली के पेट में जितने अरसे तक आप सलाम रहे उस दौरान ज़ाहरी तौर पर आप सलाम कमजोर हो गए थे जिसमानी और तो के किनारे के पास एक मैदान था दोबारा आप अता आपकम तौर पर तंदुरुस्त हो गए फिर आप सलाम को पाक ने दोबारा उस कौम की तरफ भेजा आपके साथ उस कौम में एक अर्स सहदरास्त रहे प्रॉफिट यूनस सलाम का जिक्र कुरान करीम में कई मकामात पर मौजूद है जिसमें सूरत यूनुस और दीगर सूरतें शामिल हैं

में आप सलाम की दो शहजादियों काजरत मूसा के निकाह में आई सलाम अपनी कौम में नहायत अमानत दार शख्स की हैसियत से मशहूर और मारूफ थे अल्लाह सुबहन वो प्रॉफिट शुयब जिसमें से एक अब मदियन और दूसरी अहबल है नाजिन अगर असाब मदीन की बात करें तो ये लोग बहुत से ऐसे गुनाहों में यूज़ टू हो चुके थे जो माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और मुआरे में बिगाड़ का बाइस बन रहे थे और इसके साथ साथ ये लोग कुफ़ और शर्क में भी मुबला हो चुके थे अल्लाह पाक ने शेब पर वही नाजिल फ़रमाई हज़रत शुब्ल ने लोगों को वाजो नसीहत की तो लोग उस चीज़ से बाज ना आए नाजिन अगर बात करें उनके दीगर गुनाहों की और दीगर चीज़ों की तो वो लोग नाप तोल में कमी किया करते थे दे यूज टू रिड्यूस द मेजरमेंट्स एंड वेट और उसके साथ साथ लोगों का मजाक उड़ाया करते थे कमजोर लोगों को तंग किया करते थे और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे गुनाह वो लोग किया करते थे जब अजर शयब ने उन्हें समझाया कि ये तमाम गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह पाक से डरें कि कहीं इन गुनाहों के सबब उनके कुफ्र और शर्क के सबब उन पर अजाब ना आ जाए तो वह लोग अपने इन गुनाहों पर डटे रहे और उल्टा सलाम की मुखालिफत में खड़े हो गए और शुब को धमकियां देने लगे यहाँ तक कि शेयब जिसके पास नसीहत लेकर जाते तो उसे पहले से डराते और और मुआशी बदहाली का उन्हें खौफ़ दिलाते नज़ीन इस तरह की चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी फिर हजरत शुयब सलाम ने उन्हें बहुत सी मरतबा वाजो नसीहत फरमाई जब उम्मीद ना रही कि ये लोग राह रास्त पर रहेंगे तो फिर हजरत शुयब स

कुर करीम में इन लोगों का जिक्र अहैका यानी जंगल वालों के नाम से ही किया गया है नजिन ये लोग भी कुफ़र शर्क में मुबला थे और बहुत से ग़लत कामों में भी मुबतला थे अल्लाह पाक के हुम के मुताबिक हज़रत शुयब आसमाम ने जब इन्हें वाजो नसीहत फ़रमाई और इन्हें कुफ़्र शर्क छोड़ने का हुक्म दिया और अल्लाह पाक की इबादत करने का हुक्म दिया तो इन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि हजरत शुयब आलाम से कहा कि आप तो हम जैसे ही एक आम आदमी हैं अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हम पर अजाब ले आएं हम पर बादल का कोई ऐसा टुकड़ा ले आएं जिससे हम पर अजाब नाजिल हो जाए नज़ीन फिर अल्लाह पाक ने उन लोगों पर अजाब नाजिल फ़रमाया अल्लाह सुबहाना हुआ रिवील फायर फ्राम द्लाउड और उन पर आग का अजाब इस तरह नाजिल हुआ कि अल्लाह पाक ने एक बादल का टुकड़ा भेजा और उन पर आग बरसने लगी और वो तमाम लोग जो ईमान नहीं लाए थे और अजाब का दावा कर रहे थे उन तमाम लोगों पर अजाब आ गया और वो तमाम लोग उसमें जल कर राख हो गए नाज़िन आज के इस एपिसोड में आपने प्रॉफ़िट प्रोफ़िट शेयब की बायोग्राफी के बारे में जाना और यकीनन इस एपिसोड से इस नॉलेज से आपने बहुत सी चीज़ें बहुत से लेसन गेन किए होंगे कि जैसा कि आपने देखा कि ये कौम बहुत से ऐसे गुनाह किया करती थी कि जिसकी वजह से इन पर अजाब नाजिल हुआ ना अगर हम गौर करें हमारे माशरे पे अपने इर्द गिर्द देखें तो उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम उसके लिए यूज़ टू हो चुके हैं कि या तो हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में भी हमसे वो चीज़ें हो जाती हैं और हमें मालूम तक नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं अगर हम गौर करें तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम समझ रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और हम कर गुज़रते हैं तो इन्हीं चीज़ों की वजह से पिछली कौम पर अजाब नाजिल हुआ लोगों को दिए ना हमें इस बात पर जरूर गौरव फिक्र करनी चाहिए इसी के साथ साथ अम्बीए कर दीगर प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए हमारा प्रोग्राम प्रॉफिटिक स्टोरी जरूर देखते रहें और कराम के मतलब तफस मालूम के लिए मकतबतल मदीना की शाया करदा किताब सीरतलिया का जरूर मतलब कीजिए कुरान करी नजर शुएब का जिक्र सूरतल और दीगर सूरतों में भी मौजूद है नाजीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा वरम्बर صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم